रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। विधानसभा स्तर पर बैठकें निरंतर हो रही है, पार्टी द्वारा अलग अलग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उसके अनुसार कार्य भी किया जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, विधानसभा स्तर की बैठकें हो रही है, अलग अलग कार्यक्रम पार्टी ने बनाई है। उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना के दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है और लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी के अन्यायी अत्याचारी वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को ठगने का काम लूटने का काम किया है, उस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाकर छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, इसकी योजना रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये अलग अलग जिलों में आप लोग प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आखिर? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की योजना, जनता के मुद्दों को मीडिया तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने ये व्यवस्था बनाई है। अभी संभाग स्तर पर हम अपने मीडिया प्रमुखों की कार्यशाला कर रहे हैं, बिलासपुर के संभाग की कार्यशाला संपन्न हो गई है, आज रायपुर की कार्यशाला है, ताकि हमारे मीडिया के जो कार्यकर्ता है, काम करने वाले पदाधिकारी है, वो ठीक प्रकार से मीडिया तक पार्टी की गतिविधियों की जानकारी पहुंचा सके। जो प्रवक्ता बनाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, क्या वो स्थानीय मुद्दे उठाएंगे क्या? देखिए, लगातार जो पार्टी की गतिविधि चलती है वो मीडिया तक पहुंचाने का काम वो करेंगे। कांग्रेस आरोप लगाकर कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब जब आते हैं तब तब ईडी की कार्रवाई होती है। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में, कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृहमंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है, अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है किसी की जमानत नहीं हुई है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन दलाली की जा रही है, वसूली जा रही है, ये तो आम लोगों को पता था। शराब दुकानों में 2 काउंटर है, ये आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता है तो ईडी को भी पता चलेगा और ईडी को पता चलेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति बना दी है, भाजपा कब तक ये समिति बनाएगी? सवाल ये भी बाहर के लोगों को मौका दिया जा रहा है, चेहरा नहीं है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है, अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है,
कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बेबुनियाद और निरर्थक बातें कह रही है। अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी है कुमारी सलजा, वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है इस कारण मीटिंग किया जा रहा है? जिस प्रकार से तानाशाही कांग्रेस में चल रही है, जिस प्रकार से वन मैन शो चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है, और वो लगातार बार बार प्रदर्शित हुआ है। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पौने 5 सालों में कोई काम नहीं किया है सिवा जनता को लूटने के, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने के। 12 बजे से दो पाली की बैठक होने वाली है एसटी मोर्चे की, किस तरह की बैठक रहेगी? दो पाली में बैठक अभी एसटी मोर्चे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग कार्यक्रम सब मोर्चे प्रकोष्ठ को पार्टी ने दिए हैं, उन कार्यक्रमों की योजना रचना के लिए लगातार बैठक करके उस कार्यक्रम को किस प्रकार से नीचे तक लेकर जाना, इसके लिए बैठक। ये इस चुनाव में अरुण चौधरी की जो बैठक हुई थी, आप लोग की नलगीराम कवर आए हुए थे, कांग्रेस ये बताने का प्रयास कर रही कि आदिवासियों का बीजेपी किस तरह से अपमान करती है, गेट से उनको बाहर भगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के अपमान की चिंता करे? ननकीराम कंवर जी का स्वयं फोन आया था, उन्होंने कहा, मैंने पूछा और पूछकर मैं स्वयं ही चला गया, कोरबा जाना था। इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद बातें कांग्रेस पार्टी के लोग न करें, अब उनकी पार्टी में उनके नेताओं का जो अपमान हो रहा है उसकी चिंता करें। कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने जा रही है। देखिए, आज जिस तरीके से पिछले पौने 5 सालों में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, पीएससी का घोटाला और व्यापम का घोटाला और लगातार भर्तियों के नाम पर जो युवाओं को ठगने का काम हुआ है, आज छत्तीसगढ़ का युवा राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी छत्तीसगढ़ के युवा कर रखे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं।